साथियों, आज मैं यहां पे बात करने वाला हूं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में एएलपी के टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो कितना हुआ है। हमारे पास यहां पे आरटीआई रिप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से आज की डेट में आ चुका है। तो गाइस, मैं यहां पे बात करने वाला हूं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे जिन्हें लग रहा था कि इस बार बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है अपना जोन चेंज करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में सभी जोन में कम छात्रों ने जो है अपने जोन चेंज किए, वो जो पुराना फर्स्ट टाइम डाल दिए थे तो वही जोन था। अब मालदा वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा जोन होने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या आपका मालदा सेफ जोन में आ रहा है या फिर सेफ जोन में नहीं है। तो फाइनली गाइस, आपको इन सभी चीज़ों के जितने भी मन में आपके सवाल आ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। गाइस, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आपका यदि मन में किसी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई सवाल है वो भी आप कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सभी आपको मिल जाएगी। साथ में गाइस, आप कमेंट बॉक्स में अपने जोन का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज की डेट में यहाँ पे एक लगाया गया था आरटीआई, जिसमें आरटीआई का रिप्लाई आया योर ऑनलाइन अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर RRBML। ये देखोगे RRB हुआ, ML का मतलब मालदा जोन हुआ रेलवे। यहाँ पे अब यहाँ पर देखो ये 24 है, ये 24 आपका ईयर हुआ 00135। इनका जो नंबर था वो इनके किस नंबर पे इन्होंने एप्लीकेशन किया था वो था 135, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में किया था। डेट देखोगे कल की डेट में 9 अगस्त 2024 को ये सारी जो है तो डाटा आया है। अब रही बात कि यहाँ पे देखो क्या भेजा गया, इनकी पर्सनल डिटेल को मैंने हाइड कर दिया हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो बोला गया डियर योर रिप्लाई इज अफिनेटेड वैल्यू टोटल सबमिटेड अप्लीकेशन फॉर CN नंबर 01204 इज 55980 फॉर RRB मालदा कम्युनिटी वाइज डाटा इज नॉट अवेलेबल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर यदि हमारे पास डाटा पूरा आ चुका है कि जो आपके लिए यहाँ पे मालदा जोन है वहाँ पे टोटल जो नंबर आप अप्लीकेशंस हुए हैं वो 55980, आप 56000 के आसपास मान सकते हो। इन यहाँ पर कम्युनिटी वाइज मतलब कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना डाटा जो है तो फिल किया गया इसकी भी डिटेल मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डिटेल नहीं दी। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर गाइस यदि हम मालदा जोन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मालदा का ही रिप्लाई आया था, तो आप मालदा यहाँ पर देख पाओगे। मालदा जोन में यहाँ पर यदि हम बात करेंगे टोटल आप देख पाओगे लगभग 56000 जो है तो अप्लीकेशंस किए गए थे, राइट। और यहाँ पे 55980 कैंडिडेट जो है तो आरटीआई रिप्लाई में बताया जा रहा है। लगभग आप देखोगे यदि जोन चेंज करने की बात तो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मालदा जोन को छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर देखोगे इसके पहले अभी तक यहाँ का पाँच जो है पर सीट का कंपटीशन था, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी 749 के आसपास थी। अब यहाँ पे अब ये कंपटीशन आपके लिए लगभग यही रहेगा, क्योंकि 20 फॉर्म से कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, और इसीलिए इस जोन को है देख पाओगे यहाँ पे ग्रीन जोन में रखा गया था। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर में कौन सा जोन जो है ग्रीन में है, कौन सा ऐसा जोन है जो रेड जोन में है। अभी तक जब तक आरटीआई से रिप्लाई नहीं आ जाता है तब तक तो थोड़ा सा कहना टप होता है। अप्रोक्सीमेट ये जो डाटा है इसी के आसपास आना भी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए ये देख पाओगे ये आपके लिए ग्रीन जोन वाले हैं, यहाँ पे ये आपके लिए रेड जोन वाले हैं। ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z आपको बताई गई थी। फाइनली गाइस, आपके लिए जो अपडेट थी मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दिया हूँ। यदि मन में कोई भी छोटा या बड़ा डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। साथ में गाइस, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना है, क्योंकि आपके लिए इतने सारे डाटाओं को कलेक्ट करना आसान नहीं होता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। एक छोटा सा सहयोग आप जरूर दिखाना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विथ मैथ पर।